हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल आज के इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइव मोर प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकल क्वान्टिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स ऑफ सी यू टी पी जी पेपर पार्ट ए जैसे कि मैंने पार इट्स द पार्ट टू जिसमें पांच क्वेश्चंस करे जाएंगे पार्ट वन में ऑलरेडी मैं पांच क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और पार्ट वन में मैंने ये भी डिस्क्राइब कराया था करा था कि सी का लॉजिक का पैटर्न क्या है मतलब लॉजिक मैथ्स किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है सी यू टी का पेपर एक पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए में क्या क्या क्या, क्या, -क्या, -क्या एग्जामिनेशन यूज होता है ये वाले वाले सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट ए में सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर तो इन पांच क्वेश्चंस को करते हैं हम आगे देखते हैं क्या क्या नए मैथ हम सीख सकते हैं क्या क्या ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स हम सीख सकते हैं पहली प्रॉब्लम सो लुक एट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंड कंक्लूशन की प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने पार्ट वन में बताया था कि निमसेट में और सी uh, के एग्जामिनेशन में फर्क है पैटर्न में सिलेबस सेम है तो वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का दे फील द प्रिपरेशन वुड बी द सेम टाइप नो इट इज नॉट सेम टाइप इवन टेस्ट भी मॉक्स भी डिफरेंट होते हैं दोनों के और होने चाहिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे स्टेटमेंट कंक्लूशन अजर्शन इन्फ्रेंसिस नॉर्मली निम में नहीं आता पोर्शन बट लॉजिक में ये सी यू टी में इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग नॉर्मली निम में नहीं आती बट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी यू टी एग्जामिनेशन तो जब अलग अलग एग्जाम्स हैं तो उसी हिसाब से आपको चीजों को

लॉजिक के टॉपिक्स तो वही रहते हैं बट उनका जो स्टाइल होता है उनके जो किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे एम्फेसिस हैं वो फ़र्क हो जाता है तो इसलिए सी में काफ़ी चीज़ें फ़र्क है निम के कम्पेरिजन में नॉट जस्ट इन लॉजिक बट इन मैथेमेटिक्स ऑल्सो मैथमेटिक्स में भी मैचिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो निमसेट में नॉर्मली नहीं होती हैं ओके okay? चलिए अभी ये डिस्कस करते हैं निमसेट और सी uh, यू के लिए मैंने एक लेक्चर में मैं डिस्कस करा करा है कि दोनों में से कौन सा बेटर है किसको कैसे प्रिपेयर करना होता है आई हैव ऑलरेडी डन दैट यू नो और जब तक आप लोग सिलेक्ट होंगे जब तक मेरी वीडियो से आते रहेंगे मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे आपके लिए पब्लिश होते रहेंगे और क्लासेस में तो हम कर ही रहे हैं ये सारी चीजें तो की है आपकी सिलेक्शन पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गिवन बिलोर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट पहली है रविंद्रनाथ टेगोर रोट मेनी पोएम्स एवरीबडी नोस एवरी पोएट हैज एस्थेटिक नॉलेज एस्थेटिक एस्थेटिक वर्ड एस्थेटिक डील्स विद द द स्क्रूटनी ऑफ ब्यूटी एंड हार्मनी मतलब सुंदरता से डील करता है हार्मनी से डील करता है एस्थेटिक्स तीसरी स्टेटमेंट है एस्थेटिक इज ए पार्ट ऑफ एक्सीोलॉजिकल स्टडी हमें से काफी लोगों को साइंस के बैकग्राउंड के ज्यादातर लोग होते हैं या ना भी होंक्ोलॉजिकल स्टडीज नहीं पता होती क्या होती है इनफैक्ट हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए उसको जानने की जरूरत भी नहीं है बट वैसे एक्सीोलॉजिकल स्टडी एक्सियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ़ फिलोसफी ओके अब दो कंक्लूशंस उन्होंने दे दिए रविन्द्रनाथ टैगोर डिड डिफरेंट एक्सोलॉजिकल स्टडीज और दूसरा दे दिया ही फॉलोड द बेस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स अब वो पूछ रहे हैं खाली कंक्लूशन वन सही है या कंक्लूशन टू सही है या दोनों सही है या एक भी नहीं है सही नहीं है दोनों में से कोई एक है या दोनों नहीं है ओके सो दीस टाइप ऑफ आर वेरी गुड बट काफी टाइम स्टूडेंट्स एज एग्जाम्पल्स को स्किप कर देते हैं ये सोचते हुए मतलब उन्हें पता नहीं चलता एक्सोलॉजिकल स्टडी क्या है इसे कैसे टारगेट करना है किस तरीके से इसे अप्रोच करना है बट अप्रोच इज क्वाइट ईजी सबसे पहले वो कह रहा है बहुत सारी पोएम्स लिखी हर पोएम पे एस्थेटिक नॉलेज है और एस्थेटिक नॉलेज पार्ट है एक्सट्रोलॉजिकल स्टडीज का तो इसका मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्योंकि बहुत सारी पोएम्स लिखी तो वो उसने बहुत सारी एक्सटोलॉजिकल स्टडीज करी रविंद्रनाथ टैगोर डिड डिफरेंट एक्सटोलॉजिकल स्टडीज तो पहला कंक्लूशन तो वैसे क्लियर हो गया चाहे मुझे एक्सोलॉजी का मीनिंग पता हो या ना पता हो या मुझे एस्थेटिक्स का मीनिंग पता हो या नहीं पता हो बाई कंपेयरिंग बाई कंबाइनिंग और बाय रिलेटिंग दीज थ्री स्टेटमेंट्स आई वॉज एबल टू इन्फर दैट द वन शुड बी राइट दोबारा देख लेते हैं रविंद्रनाथ टेगोर रोट मैनी पोएम्स मेनी पोएम्स ही राइटिंग पोएम्स इट मीनस ही पोएट एवरी पोएट हैजथेटिक नॉलेज इसका रविंद्रनाथ टेगोर पर भी एस्थेटिक नॉलेज थी बट एस्थेटिक्स किसका पार्ट है एक्सोलॉजिकल स्टडी का इसका जिस भी पोएट जो भी पोएट है उसने एक्सोलॉजिकल स्टडीज करी हैं और रविंद्रनाथ टैगोर क्योंकि पोएट था और उसने बहुत तो उसने बहुत बहुत सारी सारी पोएम्स लिखी हैं तो डिफरेंट एक्सोलॉजिकल स्टडीज करी है अब सेकंड देखते हैं ही फॉलोड बेसिस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर कई बार स्टूडेंट हो जाएगा कि हो सकता है एक्सोलॉजी डील करती हो लॉजिक एंड एथिक्स है मे बी वो इस तरीके से सोच सकते हैं ठीक है ना बट फिर यहां पे हमें एक्सोलॉजिकल वर्ड का मीनिंग क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है इस पूरी स्टेटमेंट्स में कहीं भी लॉजिक और एस्थेटिक्स की बात नहीं करी गई है और क्योंकि कहीं पे भी लॉजिक एंड एस्थेटिक्स की बात नहीं कर रखी है तो हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि ही फॉलोड द बेस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स तो इसलिए कंक्लूजन दो तो हमारा गलत होगा ही होगा तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो आपको हर ब्रांच के ब्रांच में पता हो कि क्या जैसे एक्सोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी तो आपको जरूरी नहीं होना चाहिए कि फिलोसफी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं एक्सोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आई थिंक यू नो और आ, आ, आपको नहीं पता होगा बट एक्सीलॉजी की भी दो ब्रांचेज होती हैं एक एथिक्स और दूसरी एथ, एस्थेटिक्स तो एक्सेलॉजी की यदि आप डीप डिक करते हैं यदि और गहराई तक आप सोचते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि एक्सोलॉजी यदि आपको पता है तो मेरे पहले ही जानने की जरूरत नहीं है इस पूरी तीन स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी लॉजिक और एथिक्स की बात नहीं हुई है तो इसलिए हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जितना भी रविंद्रनाथ टैगोर का काम था वो लॉजिक और एथिक्स पे बेस्ड था एस्थेटिक्स था एक्सोलॉजिकल स्टडीज करी थी क्योंकि उसने कहा है कि एस्थेटिक्स इज पार्ट ऑफ एक्सोलॉजिकल स्टडीज तो ऑब्वियसली रविंद्रनाथ जी ने एक्सोलॉजिकल स्टडीज करी करिए डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स लिखी हुई हुए हर पोएम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सोलॉजिकल स्टडीज डील करी है ठीक है ना बट जैसे मैंने कहा कि इफ यू डिग डी, 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 डीप हम गहराई से सोचते हैं तो आपको पता मैं बता देता हूं कि फिलॉसफी बेसिकली चार ब्रांचेस फिलॉसफी की होती है मेटाफिजिक्स एपिस्ट्रोमोलॉजी uh, और उसके अलावा लॉजिक एंड देन फाइनली एक्सट्रोलॉजी ये चार ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की तो वैसे भी लॉजिक की ब्रांच एक्सट्रोलॉजी की ब्रांच से अलग मानी जाती है तो लॉजिक का तो कहीं पर हम मान सकते ही नहीं है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि वो एक्सट्रोलॉजिकल स्टडी का पार्ट है एस्थेटिक्स ठीक है ना और पोएम्स एस्थेटिक्स से डील करती हैं दूसरी बात एक्सेलॉजी की दो ब्रांचेज और दूसरी एस्थेटिक्स तो वहां से भी क्लियर हो गया कि यहां बात हो रही है खाली एस्थेटिक्स की एक्सोलॉजी के उस पार्ट की जो एस्थेटिक्स से डील करता है उस पार्ट से नहीं जो एथिक्स से डील करता है तो हम कहेंगे नो नो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस सेकंड कंक्लूशन और जिसके बारे में भी वी आर नॉट श्योर इट मीन वी कैनॉट कंक्लूड दैट दैट हैज टू बी राइट तो इसलिए हम सेकंड कंक्लूशन को राइट right नहीं मानेंगे हम खाली फर्स्ट कंक्लूशन को राइट right मानेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में सेम प्रॉब्लम आई हुई है और अलग अलग सोर्सेज आप उठा के देखते हैं तो उन्होंने ऐसे ही एट रैंडम कुछ भी आंसर मार्क कर दिया नो दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू एंटी ऑल्सो ओनली फर्स्ट कंक्लूशन इज करेक्ट ओनली चॉइस वन इज करेक्ट और मैंने उसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया बट डोंट बी वरीड बाई दिस जैसे मैं अपने कई लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको ये नहीं सोचना कि यह प्रॉब्लम डिफिकल्ट है क्यों इस पे टाइम वेस्ट करा जाए डिफिकल्ट प्रॉब्लम में यदि आप स्कोर करते हो करेक्टली मार्क्स तभी आप औरों से ऊपर जाते हो क्योंकि इजी प्रॉब्लम तो हर स्टूडेंट कर लेता है इजी प्रॉब्लम से आप कभी कंपटीशन नहीं जीत पाते आप कॉम्पिटिशन जीतते ही टफ प्रॉब्लम से एंड ट्रिकी प्रॉब्लम से जो हर कोई नहीं कर पाता यदि वो आप कर लेते हैं देन यू आर सेलेक्टेड जैसे मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि जो कॉम्पिटिशन का प्रोसेस है दैट इज नॉट सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस लाखों में लोग अपेयर होते हैं सौयों में लोग सेलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन तो है ही नहीं ना इसका मतलब जो एग्जामिनर है एग्जामिनिंग बॉडी है वो सबको एलिमिनेट कर रही है वो सबको बाहर निकाल रही है रिजेक्टेड 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 और जिन्हें वो किसी भी वजह से रिजेक्ट नहीं कर पाई वो अल्टीमेटली हो गए सेलेक्ट तो आपको उस ना रिजेक्ट वाले लॉट में आना है आप ये मानिए कोई धक्के देके आपको कमरे से बाहर निकाल रहा है और कमरे से आप बाहर निकलने को तैयार नहीं है तभी आप खाली कमरे में रह पाएंगे दैट शुड बी दी अप्रोच ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन इज नॉट लाइक कॉलेज एग्जाम्स दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस और सारे वो लोग जो आपकी क्लास में भी हैं आपके साथ वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से जितने ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे उतने आपके चांसेस कम है तो आपको हर हालत में इसका मतलब ये नहीं है आप उनसे एनिमिटी रखें आप उनके अगेंस्ट रखें इसका मतलब आप अपनी अप्रोच ऐसी रखें आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखें आप आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखें कि कहीं ना कहीं आप औरों से बेटर परफॉर्म कर सकें सो इट इज द मैटर ऑफ बेटर परफॉर्मेंस देन अदर्स अप्रोच ध्यान रखिएगा तो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज़ वर्थ डूइंग कोई भी नया लॉजिक आप सीख सकते हैं इट इज़ वर्थ डूइंग बट दैट शुड ऑल बी फ्राम क्रेडिबल सोर्सेज ये नहीं आजकल इंटरनेट का जमाना है नेट पे पता नहीं क्या क्या दिया हुआ होता है कि आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें कुछ भी नो नो देट जस्ट वेस्ट यू टाइम बिकॉज ये टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और मैंने एक लेक्चर में ये भी बताया था कि आप दिन में पंद्रह घंटे पढ़ते हैं कोई आपसे कहता है पंद्रह घंटे पढ़िए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी नो दैट इज सेंसलेस यर एफर्ट्स कैन नेवर बी क्वांटिफाइड हो सकता है दूसरा आदमी पांच घंटे में उतना कर लेता हो जितना आप पंद्रह घंटे में करते हैं हो सकता है पंद्रह घंटे में आपकी एफिशिएंसी इतनी नहीं निकलती हो जितनी आपकी दस घंटे में निकल जाती है तो आप क्यों पंद्रह घंटे अननेसेसरी ड्रैग कर रहे हैं टाइम को दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं पंद्रह घंटे पढ़ रहा हूं या कोचिंग आपको कह रही है कि नहीं नहीं आपको सुबह से रात तक आके यहीं पर प्रैक्टिस करनी है आपको दस घंटे तो पढ़ना ही है पंद्रह घंटे तो पढ़ना ही है नो वर्क एज पर योर एफिशियंसी एंड योर कैपेबिलिटीज कीपिंग इन माइंड दैट इट इज अ कॉम्पिटिशन विच यू हैव टू बीट इट इज अ कॉम्पिटिशन इन विच यू हैव टू प्रूव टू बी बेटर देन अदर्स ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और जितना कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है एंट्रेंसेस के लिए उतना ही मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा खाली आपको पढ़ा दें इसलिए सैनमिक्स में हम लोग अपने स्टूडेंट्स की लगातार काउंसलिंग करते हैं लगातार उन्हें मोरली सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उन्हें बूस्टअप करते हैं उन्हें इस तरह के आइडियाज देते हैं जिससे जब भी वो डिप्रेस्ड फील करें क्योंकि हर आदमी हर समय खुश नहीं हो सकता हर समय आप एक्साइटेड नहीं हो सकते तो किस तरह से उस डिप्रेशन को उस नेगेटिव थॉट को अवॉइड करा जाए दैट आई ट्राई टू टीच टू माई स्टूडेंट्स ओके तो आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब केयरफुली चीज़ों को सीखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए एक्साइटमेंट आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देगी आपके कंपटीशन में कभी जाके कंपटीशन में घबराना नहीं है अब आप फाइनल स्टेज पे आ गए जैसे वॉर होती है अब आप बॉर्डर पे खड़े हैं सामने से गोलियां चल रही हैं तो आपको गोली चलानी है बट आप खुद शहीद होते हैं या आप दूसरे को मारते हैं वो आपकी परफेक्शन शो करती है और वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन शो करता है सोसाइटी और कंट्री के लिए वही अप्रोच कॉम्पिटिशन के लिए रखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर प्लेइंग कार्ड्स एन आर सी टेटेड नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ऑफ ए टेबल ओके तो यहां पर एल चूज व्हाइट कलर तो नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट में बैठे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट टेबल नो बॉय फेसिंग ईस्ट पर्सन सिटिंग अपोजिट टू अदर आर नॉट ऑफ द सेम साउथ. विच डायरेक्शन बॉयज फेसिंग नो बॉय फेसिंग ईस्ट इसका मतलब वेस्ट तो इसका मतलब आपकी ये दोनों चॉइसेस तो सही हो ही नहीं सकती जैसे एलिमिनेशन हम लोग करते रहे हमेशा से बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया है कि हाउ केन यू एलिमिनेट चॉइसिस योर ऑब्जेक्टिव इज टू बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम कलेक्ट ये कोई नहीं आपसे कह रहा आप सोल्व करो थोरली खाली वो आपसे कह रहे हैं आप इसे है okay? और वो ज्यादा कर पाए तो प्लेंग कार्डिड नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ऑफ ए टेबल नो बॉयज फेसिंग ईस्ट नो बॉयज फेसिंग ईस्ट पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ई नॉट ऑफ द सेम सेक्स हमने कहा नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट और वो कह रहे विस डायरेक्शन द बॉयज आर फेसिंग तो ईस्ट वाली डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती वन गर्ल इज फेसिंग साउथ अब यदि कोई गर्ल साउथ फेस कर रहा है तो कोई बॉय भी साउथ फेस नहीं कर सकता ओके okay? तो उससे कोई मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा वन गर्ल इज फेसिंग साउथ तो आप यदि यहां डायग्राम देखते हैं ये आपका हो गया नॉर्थ ये साउथ ये वेस्ट ये ईस्ट ये आपने बना लिया अब वन गर्ल इज फेसिंग साउथ तो इसका मतलब एक गर्ल यहां बैठी हुई है एक गर्ल यहां बैठी हुई है तो एक बॉय यहां बैठा हुआ है अब कोई भी बॉय ईस्ट नहीं फेस करता तो इसका मतलब बॉय यहां पे बैठा तो हुआ है तो इसका मतलब गर्ल यहां पे बैठी हुई है तो इसका मतलब बॉयज क्या क्या फेस फेस कर कर रहे रहे हैं हैं बॉय वेस्ट और बॉयज फेस कर रहे हैं, हैं नॉर्थ तो आंसर शुड बी नॉर्थ एंड वेस्ट और वैसे भी जैसे मैंने कहा चॉइस का आप एलिमिनेट कर सकते थे नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट तो बॉय ईस्ट तो फेस कर ही नहीं सकता तीन चॉइस वैसी गलत थी तो पहली चॉइस को तो बिना इस डायग्राम के बनाए भी आंसर होना चाहिए था एंड दैट इज द द बेस्ट अप्रोच टीच एट हाउ टू टू यूज आंसर प्रॉब्लम करेक्टली बिकॉज इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम एक बार दोबारा समझते हैं ये डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में दो गर्ल्स हैं दो बॉयज हैं कार्ड्स खेल रही है ईस्ट चार डायरेक्शन में बैठी हुई है नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट कोई बॉय ईस्ट फेस नहीं कर रहा अब आखिर में क्वेश्चन कह रहा है कौन सी डायरेक्शन बॉयज फेस कर रहे हैं कोई बॉय ईस्ट नहीं फेस कर रहा तो जिसमें भी ईस्ट है वो चॉइस तो गलत हो गई तो ये दोनों चॉइसेस गलत ये भी चॉइस गलत खाली नॉर्थ एंड वेस्ट इज द राइट आंसर नथिंग टू बी डन कुछ एनालाइज करने की जरूरत नहीं आई होप यू गॉट आई एम ट्राइंग टू से ये अप्रोच डेवलप कीजिए कुछ नहीं बनाने की कोशिश करनी पड़ती बट मैं बनाता इसलिए हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी आप में से ज़्यादातर लोग हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो लेक्चर स्क्रिप्ट है जो मैं लिख रहा हूँ हाथ से तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए मैं चीज़ों को लिख भी रहा हूँ बट काफी क्वेश्चन तो बिना लिखे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्क्रिप्ट का मैथड मैं अपनी और सारी लेक्चर्स में बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये लेक्चर स्क्रिप्ट चाहिए तो ये लेक्चर स्क्रिप्ट आपको पी डी फॉर्मेट में भेज दी जाती है आपको एक्सेस हो जाता है उस पीडीएफ फॉर्मेट में और फिर आप उस लेक्चर के साथ उस पीडीएफ के साथ साइमल्टेनियसली इस वीडियो को देख के चीजों को सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने इसे कर लिया और खत्म हो गया यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग जिससे ये अप्रोच आप में इंकलकेट हो जाए जैसे मैं जनरली अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि आपकी नॉलेज का आउटफ्लो वैसे ही होना चाहिए जैसे गुस्से में गाली का आउटफ्लो होता है गुस्से में या मस्ती में जब आप लोग बात कर रहे होते हैं स्पेशली टॉकिंग अबाउट बॉयज आजकल गर्ल्स भी दे देती हैं कभी कभी अपने अपने एक्सप्रेशन इमोशंस तो वो भी शेयर करते हैं तो जिस तरह से आप बिना किसी स्ट्रेस के बिना किसी एफर्ट के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं चाहे वो गाली की तरीके से हो चाहे वो खुशी की तरह के तरीके से हो सेम शुड बी आउटफ्ले ऑफ सेम शुड बी दी आउटफ्लो ऑफ योर नॉलेज और वो जब भी होती है जब वो नॉलेज आपके अंदर डेवलप हो जाए वो आर्टिफिशियल ना हो वो आपके अंदर इनकल्केटेड हो ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं तो दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो डन ओके अगेन यू लुक एट दिस अगेन स्टेटमेंट्स वन एंड स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स दैट इज अनदर वेरी गुड कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले ही कहा सी में बहुत फर्क है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से स्टेटमेंट वन व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट इज पास्ट थ्रू ए प्रिज्म हमें से ज्यादातर लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स बेसिक फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ी हुई होती है कॉलेज में नहीं करी होती है तो स्कूल में तो करी भी होती है ट्वेल्थ तक अदरवाइज टेंथ तक तो करते ही है बट दैर इज नॉट एन इश्यू फिर आप अपने आप लॉजिकली चीजों को यहीं पे कर सकते हैं आंसर और समझ सकते हैं स्टेटमेंट वन वेन रे ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिटेड इट्स कॉन्स्टिटुंट कलर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन वैसे भी डिस्पर्शन का मतलब ही होता है स्प्लिट होना तो यदि मुझे नहीं भी ये डेफिनेशन पता है तब भी मुझे पता है डिस्पर्शन इज एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स बिखरना स्प्लिट करना बिखेरना ओके okay? तो ये कह रहा है कि जब भी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में ओके दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट अब स्टेटमेंट है रेनबो इज फॉर्म रेनबो आप सब जानते हैं इंद्रधनुष बारिश के बाद जो बनता है क्यों बनता है बारिश के बाद पानी के ड्रॉपलेट्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमोस्फेयर में होती हैं और जब सन रेज उसके थ्रू पास करती हैं तो वो स्पेक्ट्रम बनाता है रेनबो बनाता है क्यों बनाता है क्योंकि वो जो लाइट उस पर सन रेज आई

and i hope now you can solve such problems easily in your entrance examination without spending much time har is question mein hame time save karna hai entrance mein find the missing term in the given number series now how would you find the missing term in the given number series यदि आप PYQ वाई क्यू कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इन्हें भी आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं और जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि अप्रोच आप ये रखिए कि आप बहुत सारे टॉपिक्स एट द सेम टाइम करें ये नहीं कि आपने मैथ्स उठाया आपने पहले पंद्रह दिन में सेट थ्योरी खत्म कर दी उसके बाद आप और टॉपिक्स आप आप पे आ गए तो जब तक और टॉपिक कवर करके सेट थ्योरी का नंबर आया जब तक तो सेट थ्योरी बिल्कुल ही साफ हो चुकी है दिमाग में तो डू मनी मैनी टॉपिक्स टुगैदर और वही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जब आप मॉक्स देते हैं तो कि सारे टॉपिक्स आपको एक साथ चाहिए दिमाग में क्योंकि आपको एंट्रेंस में भी सारे टॉपिक्स एट द सेम टाइम आंसर करने तो बिल्कुल आप घर पे भी उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट दीजिए या अपने जो सीबीटीज हैं आजकल वो इस तरह से दीजिए जैसे आप एक्चुअल एग्जाम का टेस्ट दे रहे हैं तभी एडवांटेज है अदरवाइज एडवांटेज नहीं है ओके बिकॉज सो मेनी पीपल आर कंपीटिंग सो मेनी पीपल आर देयर जो आपको धक्का दे के पीछे करना चाहते हैं फाइन द मिसिंग टर्म अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं इसका पैटर्न क्या है नेगेटिव से शुरू हुआ जीरो हुआ आगे बढ़ता जा रहा है तो जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में है अब जीरो होने का मतलब है कि नहीं दो नंबर का डिफरेंस तो लिया होगा और दोनों नंबर की वैल्यू सेम रही होगी ओके okay. बट ये भी नहीं मैं कर सकता हूं टू में से टू करा वन में से वन करा थ्री में से थ्री करा फिर तो सारे नंबर जीरो होने चाहिए तो क्यों मुझे स्ट्राइक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसने वन स्क्वायर माइनस वन कर दिया वन स्क्वायर माइनस वन जीरो तो ऑब्वियसली मैं इसको भी ट्राई कर लूंगा जीरो स्क्र माइनस वन माइनस वन आ गया आई एम हैप्पी बट यहां पे मैं आया टू स्क्तर माइनस वन बट दी नो इट इज रॉन्ग तो मुझे पता चल गया ये तो लॉजिक है ही नहीं और इतनी सारी टर्म्स देने का पर्पस ही ये होता है कि आप पहले एक थॉट डेवलप करें और इस थॉट को फिर वेरीफाई करें और जब वो वेरीफाई हो जाए फिर आप उसे अप्लाई करें तो हमने देखा ये हमारी थॉट वेरीफाई नहीं हुई आई हैव टू मॉडिफाई इट बट इन एनी केस मुझे जीरो चाहिए आई वॉन्ट जीरो तो कोशिश करके देखते हैं वन स्क्वेयर से काम नहीं चला तो क्या वन क्यूब से चल पाएगा ठीक है ये वन ये हो गया जीरो वन क्यूब जीरो क्यूब माइनस वन दैट इज माइनस वन ओके इसको ट्राई करके देखते हैं टू क्यूब माइनस वन आई एम लकी इसको ट्राई करके देखते हैं थ्री क्यूब माइनस वन तीन छह तो नौ नौ सत्ताईस सत्ताईस माइनस एक छब्बीस अब मेरा लॉजिक वेरीफाई हो गया तो बेसिकली क्या रहा है पहले वाले में इसको जीरो टर्म मानिए जीरो क्यूब माइनस वन वन क्यूब माइनस वन टू क्यूब माइनस वन थ्री क्यूब माइनस वन फोर क्यूब माइनस वन सो इट शुड बी योर फाइव क्यूब माइनस वन एंड फाइव क्यूब होता है हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव माइनस वन इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर सो बेसिकली आंसर इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर ए वेरी गुड एग्जाम्पल और यहां पे मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं कोई जादू तो है नहीं कैसे एग्जाम में एकदम स्ट्राइक करेगा या तो आपने प्रैक्टिस इतनी कर रखी हो कि ऐसे ज्यादातर सीरीज आपके हाथ से निकली हुई हो आपने प्रैक्टिस करी हुई हो और कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लें एग्जामिनर के लिए कभी डिफिकल्ट नहीं है एक नई सीरीज बनाना क्योंकि फर्क है आप में और एग्जामिनर में फर्क है एग्जामिनर पहले से एक लॉजिक सोच ले और उस पर एक सीरीज बना दे और आपको सीरीज को देख के एग्जामिनर का लॉजिक आइडेंटिफाई करना है तो दोनों के रूल्स में बहुत फर्क है आपके और एग्जामिनर के में तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें जरूरी नहीं है जो सीरीज एग्जाम में आए वो आपकी पहले से करी हुई हो तो इसलिए बेटर है कि आप उस कॉन्सेप्ट को सीखें आप उस अप्रोच को सीखें कि कैसे इन कोड्स को इन uh, लॉजिक्स को ब्रेक करा जाता है ओके देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम तो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट पार्ट टू इसे अगले पार्ट में फिर पांच क्वेश्चन हो जाएंगे क्वेश्चन इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी डबल हुई सिंपल इंटरेस्ट in और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होगा इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं सिंपल और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुबह सौ रुपए इन्वेस्ट करे और दस परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले साल आपको दस रुपए का इंटरेस्ट मिला बट दूसरे साल भी दस रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है वो हर हालत में आपके पैसा जो इन्वेस्ट हुए उसे सौ रुपए मानेंगे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे उसमें accumulate या याट नहीं करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल इंटरेस्ट मिलता है सौ रुपए पे और यदि का इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अगले साल एक सौ रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा उससे अगले साल और इंक्रीमेंटल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलता है इंक्रीमेंटल वैल्यू पे और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टेड वैल्यू में ठीक है ना ये मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर होता है उसमें मैं ये सब चीजें डिस्क्राइब करता हूं विद लॉर्ड ऑफ शॉर्टकट्स टिप्स एंड ट्रिक्स बट अभी तो यहां पे हम सिंपल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इसका मतलब यदि सपोज इन्वेस्टेड अमाउंट था हंड्रेड रुपीज तो ये डबल हो गया कितने साल में दस साल में तो टाइम पीरियड कितना हुआ दस साल हुआ और क्योंकि डबल हो गया तो इसे इंटरेस्ट कितना मिला दस साल में उतना ही जितना इसका प्रिंसिपल अमाउंट था मतलब सौ रुपए मिले सौ रुपए तो एक साल में मिले दस रुपए और दस रुपए सौ रुपए का कितना परसेंट होता है दस परसेंट तो इसका मतलब खुद देखा. मैं एक फिर बता देता हूं, सम मनी डबल हो गई मतलब जितनी थी, जितना इन्वेस्टमेंट थी उतना ही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला पीरियड कितना था दस साल में सपोज मैंने माना ₹100 सौ महीने इन्वेस्ट करे दस साल के पीरियड में मुझे इंटरेस्ट भी सौ रुपए का ही मिल गया इसका मतलब और सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीमेंटल वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं मिलता इन्वेस्टेड वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है और इन्वेस्टेड वैल्यू थी हंड्रेड इसका मतलब हर साल मुझे दस रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है और परसेंटेज की टर्म्स uh, में दस 10 रुपए हंड्रेड रुपीज का कितना परसेंट होता है टेन इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वॉज टेन ओके सो दैट वॉज द प्रॉब्लम ऑन सिंपल इंटरेस्ट सो दैट फिनिशिज द पार्ट टू ऑफ

जब तक आपके सिलेक्शन नहीं आ जाती जब तक मेरे लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे तो ऑल द बेस्ट सी यू सोन